सो हेलो विजार्ड विच और अनजान मगलू लोगो, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर फॉलो कर लेना। और जो लोग इंटरेस्टेड हो मेरे चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए वो इजीली ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मूवी आज ही के दिन देखने वाला था क्योंकि इंग्लिश में हिंदी में हर जगह मूवी आज के दिन रिलीज़ हो रही है, तो मैं इंग्लिश 2D में आज के दिन मूवी देखने वाला था। बट 4DX में मूवी एक दिन पहले यानी 7 तारीख को रिलीज़ हो रही थी, तो जहाँ पे मैं मूवी देखता हूँ वहाँ पे अब जब तक आई नहीं थी जब तक मैंने इंग्लिश का 2D का टिकट बुक करा था। बट जब मैंने बाद में देखा तो वहाँ पर 4DX में आ गया था, तो मैंने फिर वहीं देखने चला गया और आज का टिकट यानी 8 अप्रैल का टिकट मैंने कैंसिल कर दिया और 7 तारीख को ही मैंने फैंटास्टिक बीस्ट यानी कल ही मैंने फैंटास्टिक बीस्ट एंड द सीक्रेट ऑफ डंबलडोर देख ली। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते होगे तो आप लोगों को तो ऑफकोर्स पता ही होगी। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फाइनली जिस मूवी का हम सभी पॉटरहेड्स को इंतज़ार था वो मूवी यानी द सीक्रेट ऑफ डंबलडोर रिलीज़ हो चुकी है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ और देखो। दोस्तों स्पॉइलर फ्री वीडियो है तो मूवी के जो इंटरेस्टिंग सीन थे उनके बारे में अभी बात नहीं करूंगा, बट हाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मूवी फैंटास्टिक बीस्ट 1 और फैंटास्टिक बीस्ट 2 से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फैंटास्टिक बीस्ट 1, फैंटास्टिक बीस्ट 2 इसके आगे कुछ नहीं। और इस बार मानना पड़ेगा कि स्टोरी राइटिंग बहुत बढ़िया की है, आपको हर एक चीज़ बिल्कुल सही से समझ में आएगी और आपके ऑलमोस्ट 90% डाउट इस मूवी में क्लियर हो जाएंगे। 100% नहीं, 90%। मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा बट आप लोगों को ये बता दूं कि इस मूवी में क्रेडेंस कौन है, इस चीज़ से पर्दा उठ जाएगा। और साथ ही साथ जितनी भी कास्ट है इस मूवी में उन्होंने अपने रोल में 100% दिया है, उनकी एक्टिंग देखकर मज़ा आ गया। और भाई जूड और मैट्स ने जो एक्टिंग की है ना एल्बस और ग्रिंडलवॉल्ड की, वो एकदम नेक्स्ट लेवल की है। मानना पड़ेगा जूड ने एकदम परफेक्ट एक्टिंग की है एल्बस की। और काफ़ी लोग ये भी सोच रहे थे कि क्या मैट्स ग्रिंडलवॉल्ड का रोल सही से कर पाएंगे, तो भाई मैट्स ने भी अपना 100% दिया है और मुझे तो काफ़ी मज़ा आया देखने में। और मूवी की स्टोरी लाइन इतनी बेस्ट है ना कि मैं कहीं पर भी बोर नहीं हुआ और ऐसा लगा कि मूवी कुछ जल्द ही ख़त्म हो गई। बट दोस्तों जितनी एक्सपेक्टेशन थी मूवी से वो सारी तो पूरी नहीं हुई, बट ठीक ही है, फैंटास्टिक बीस्ट और फैंटास्टिक बीस्ट 2 से तो बेस्ट ही है। और दोस्तों एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि फैंटास्टिक बीस एंड द सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर में और क्या बेस्ट ये लोग कर सकते थे उसी सीन्स में। और इस मूवी में आपको काफ़ी अलग टाइप के कई क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ कई तरह के एडवांस मैजिक देखने को मिलेंगे। छोटे मोटे ड्यूल भी हैं मूवी में जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि मैं 4DX में देख रहा था, तो जब ड्यूल हो रहा था तो मेरी भी जो सीट है वो हिल रही थी। दोस्तों इंटरवल से पहले आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा लेकिन इंटरवल के बाद धड़ाधड़ मज़ा आता चला जाएगा। और इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा फनी सीन्स भी हैं, और इन दी एंड मूवी में हैप्पी एंडिंग होती है। और काफ़ी लोगों को लग रहा था कि ये मूवी लास्ट हो सकती है, बट मैंने पहले ही बोल दिया था अपने चैनल पर कि ये मूवी लास्ट नहीं होगी, लेकिन शायद और जो चैनल है उनके हिसाब से ये मूवी लास्ट हो सकती है, लेकिन मेरे चैनल के हिसाब से ये मूवी लास्ट नहीं थी। तो दोस्तों इन दी एंड मूवी में फैंटास्टिक बीस्ट 4 के भी हिंट दे दिए गए हैं, मतलब कि फैंटास्टिक बीस्ट 4 भी बनेगी और उसकी स्टोरी लाइन क्या हो सकती है इस बारे में फिर कभी बात ज़रूर करूँगा। और यार जब फैंटास्टिक बीस्ट जैसे स्टार्ट हुई थी ना और जब एल्बस ग्रिंडलवॉल्ड थीसियस न्यूट किसी को भी दिखाया जा रहा हो, ऐसा लग रहा था कि यार इन लोगों को ना मैं पर्सनली जानता हूँ क्योंकि मैं सारे दिन इनके बारे में ही पढ़ता रहता हूँ और वीडियो भी बनाता रहता हूँ। तो जब मैं थिएटर में पहुँचा और मैंने जैसे ही फिल्म स्टार्ट हुई ना तो ऐसा मतलब एक अलग सी वाइब आने लग गई कि यार मैं इन लोगों को जानता हूँ। तो मूवी देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे, और जो लोग मतलब जिसने विजार्डिंग वर्ल्ड की मूवी नहीं देखी है वो इस मूवी को देखने जाएगा तो वो तो पूरा कंफ्यूज ही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी स्पॉइलर फ्री वीडियो। अगर आप लोगों ने फैंटास्टिक बीस्ट 3 अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर जाकर देखिए। तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना।